Hello students and welcome to Best Learning Classes. In this video we are going to discuss the questions of the chapter Admission of a Partner. So let's get started from question number 43. X and Y are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. यानि कि X और Y की profit sharing ratio कितनी है? 3:2 है. उन्होंने Z को एज अ पार्टनर अपनी फर्म में एडमिट किया है और एडमिट करने के बाद अब इन तीनों पार्टनर्स की जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2:1 बन गई है. ठीक है, जब ये लोग Z को अपनी फर्म में एडमिशन दे रहे थे, मतलब उसको अपनी फर्म में लेके आ रहे थे, तो उस टाइम पे फर्म में डेटर्स 50,000 रुपीज़ के थे और जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है वो 5,000 रुपीज़ के थे. सारे डेटर्स अच्छे निकले, यानी कि सारे के सारे डेटर्स से पैसा रिकवर हो गया. वो हमें कह रहे हैं आप जर्नल एंट्रीज पास कर दीजिए. तो देखो बेसिकली क्या है, वो ये रहे हैं कि पहले दो पार्टनर थे उनकी रेशियो इतनी थी, फिर नए पार्टनर को लेके आए तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतनी बन गई. जब नए पार्टनर को लेके आ रहे थे तो उस टाइम की गुडविल और उस टाइम के डेटर्स और उस टाइम का प्रोविजन कितना है ये बता दिया है. फिर बता दें कि सारे डेटर्स अच्छे निकले हैं, यानी कि जिन जिन से हमने पैसा मांगा उन सब ने हमें पैसा दे दिया. ठीक है, कोई भी बैड डेब्ट्स राइज नहीं हुए हैं. हमें जर्नल एंट्रीज यहाँ पे पास करनी है. तो सबसे पहले आप मुझे एक चीज़ बताओ, अगर सारे डेटर्स अच्छे निकले इसका मतलब प्रोविजन का तो कोई यूज़ ही नहीं हुआ. तो अब मुझे प्रोविजन को ख़त्म करना पड़ेगा. तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो कि एक लाइबिलिटी अकाउंट था, अब मैं उसे ख़त्म कर दूँगी. तो लाइबिलिटी अकाउंट को ख़त्म करने के लिए मैंने डेबिट कर दिया, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट. मैंने बताया था ना, कोई भी एसेट लाइबिलिटी ख़त्म हो या बढ़े यूज़ कौन सा अकाउंट होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट. 5,000 रुपये के प्रोविजन बता रखे थे. अब देखो उन्होंने डायरेक्टली थोड़ी बोला कि प्रोविजन को ख़त्म कर दो, बट हमें समझ में आ गया कि जब कोई भी बैड डेब्ट्स हुए ही नहीं इसका मतलब प्रोविजन का कोई यूज़ हुआ ही नहीं, इसलिए हमने प्रोविजन को ख़त्म कर दिया. समझ में आया? नेक्स्ट में आप क्या करेंगे? या रीवैल्यूएशन में क्या हो गया, आपको फ़ायदा हो गया ना, तो वो रीवैल्यूएशन का फ़ायदा पार्टनर्स को मिलेगा. तो इसीलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट. फ़ायदा हुआ है इसलिए पार्टनर को मिलेगा, तो उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा. कुछ एक्स को मिल जाएगा और कुछ वाई को मिल जाएगा. टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाई कैपिटल अकाउंट. तो कि देखो ये नए पार्टनर के आने से पहले के डेटर्स हैं और उसके आने के पहले के प्रोविजन हैं. फॉर एग्जांपल वो तो एग्जिस्ट कर रहे थे ना जब हम उसको एडमिट कर रहे हैं, तो मतलब उसके आने के पहले के हैं. तो इसीलिए इसका जो फ़ायदा है वो भी सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलेगा, यानी कि एक्स को और वाई को. और हमेशा मैंने बताया था कि रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो कि लॉस हो, ये पार्टनर्स में कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है? ओल्ड रेशियो में, जो कि इस क्वेश्चन में 3:2 गिवन है. समझ में आया? तो 5,000 रुपीज़ का जो प्रॉफिट हुआ उसको मैंने 3:2 की रेशियो में बांट दिया, तो 3,000 एक्स के अकाउंट में आ गया और 2,000 वाई के अकाउंट में आ गया. अब ऐसे ही देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 में बोला हुआ है कि एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं और इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है. इन्होंने जेड को एज अ पार्टनर एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए, यानी कि जेड का कितना शेयर रहेगा? 1/4 शेयर रहेगा. ओके, अब वो क्या कह रहे हैं, जब हम जेड को लेके आ रहे थे तो उस टाइम पे फर्म में इन्वेस्टमेंट्स थी 80,000 रुपये की. ठीक है, फिर आधी इन्वेस्टमेंट्स एक्स और वाई ने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले ली और बाकी की इन्वेस्टमेंट को 50,000 पे वैल्यू किया गया. यानी कि क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, उन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन अलग दिया है. क्या कहना चाहते हैं वो, पहले ना क्वेश्चन को समझा करो. पहले पार्टनर कौन कौन थे? एक्स और वाई. ठीक है, ओके. इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी? 3:2. किसको लेके आई? जेड को 1/4 शेयर के लिए. जब लेके आ रहे थे तो उस टाइम पे भी तो फॉर्म की कोई बैलेंस शीट होगी, तो उस बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिख रही है कितने रुपए की? 80,000 रुपये की. अब किया क्या, इस 80,000 के दो हिस्से हो गए, आधी कितनी बनी? 40,000 और बाकी कितनी बची? 40,000. किया क्या गया है, जो ये हाफ इन्वेस्टमेंट थी इसको एक्स और वाई ने ले लिया और बाकी की इन्वेस्टमेंट को 50,000 पे वैल्यू कर लिया गया. इन दोनों ने अब ये इन्वेस्टमेंट जो ली है ये अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले ली है, जो कि कितनी बताई हुई है? 3:2. समझ में आया? तो आधी इन्वेस्टमेंट एक्स और वाई में पड़ गई और आधी इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू कर दिया गया, जिसमें हमें गेन हो गया क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 रुपये से बढ़ गई है. ये सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में ही गिवन है, बस समझना था इसको.
इन्वेस्टमेंट को आधा आधा बांटा और दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट हुआ, आधा पार्टनर्स ने ले लिया और आधे को रीवैल्यू कर लिया गया। तो अब हमें इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि जो 40,000 की यानी कि हाफ इन्वेस्टमेंट जो एक्स और वाई ले रहे हैं, सबसे पहले हम उसकी एंट्री पास कर देते हैं। भाई इन्वेस्टमेंट वो ले रहे हैं तो मेरी इन्वेस्टमेंट हो रही है ख़त्म, एक एसेट ख़त्म हो रहा है, तो एसेट ख़त्म होने के लिए होगा क्रेडिट, तो ऑटोमेटिकली डेबिट क्या हो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। तो कि अब हम उनसे पैसा तो रिकवर करेंगे, तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ तो बोला नहीं हुआ कि वो लोग पैसा कैश में ला रहे हैं बैंक में, तो हम इनके कैपिटल अकाउंट से ही रिकवर कर लेंगे कैपिटल अकाउंट को कम करके। तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके कम कर दिया और मेरा एसेट यानी कि इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो रही है, कितने रुपये की, 40,000 की। इसको पार्टनर्स ले रहे हैं पर कौन सी रेशियो में ले रहे हैं, मैंने बताया था ओल्ड रेशियो में, तो कि बोला हुआ है बी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर इन 3:2 की रेशियो में, तो अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो 24,000 इधर आ रहा है और 16,000 इधर आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या होगी, नेक्स्ट चीज़ ये होगी कि मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है, बाकी की जो आधी इन्वेस्टमेंट थी, एसेट की वैल्यू बढ़ी तो बढ़ाने के लिए डेबिट, तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो मेरी इन्वेस्टमेंट को ये कह रहे हैं 50,000 की अब हो गई है, वो पहले 40,000 की थी, यानी कि 10,000 से मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, इसलिए मुझे रिवैल्यूएशन में फ़ायदा हो गया और मेरे एसेट की वैल्यू बढ़ गई, तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू इंक्रीज्ड। अब क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन का जो फ़ायदा हुआ है वो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के पास जाएगा, कौन से रेशियो में जाएगा, ओल्ड रेशियो में जाएगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो देखो पार्टनर्स के पास जाएगा ये, तो पार्टनर्स के पास जाएगा तो उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, इसलिए बढ़ाने के लिए मैंने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को कर दिया क्रेडिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाई कैपिटल अकाउंट। कितना गेन था, 10,000 रुपये का, ठीक है। पहले यहाँ लिख दो बीइंग रिवैल्यूएशन गेन डिस्ट्रीब्यूटेड, कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, ओल्ड रेशियो में 3:2, यानी कि 6,000 एक्स के अकाउंट में आ जाएगा और 4,000 वाई के अकाउंट में आ जाएगा। तो क्वेश्चन मुश्किल था नहीं, ठीक है, बट कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, मतलब क्या करा करो, एक छोटा सा रफ नोट बना लिया करो, तो कि अगर हम हर चीज़ ऑरल पढ़ेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में सब कुछ ऑरल पढ़ते, अच्छा आधी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, आधी एक्स और वाई ने ले ली, तो नहीं समझ आएगा, बना लो और फिर फटाफट से कर लेना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 45 में बोला हुआ है कि अशोक और भास्कर पार्टनर्स हैं फॉर्म में जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, उन्होंने चमन को एज अ पार्टनर एडमिट किया है, कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। फिर से वो हमें यही कह रहे हैं कि जब हम चमन को एडमिट कर रहे थे तो उस टाइम पे हमारी फॉर्म में डेटर्स 76,000 के थे और प्रोविजन 8,000 का था, 6,000 के बैड डेट आ गए, यानी कि 6,000 रुपये के जो डेटर्स थे उनसे हमें पैसा नहीं मिला। प्रोविजन 5% हमें क्रिएट करना है सन्ड्री डेटर्स का। अब आप मेरी एक बात का ध्यान रखना, जब भी वो क्वेश्चन में ऐसा बोल देते हैं ना कि हम इतना परसेंट प्रोविजन बनाना चाहते हैं, इतना परसेंट, तो उस चीज़ में ये समझ जाया करो कि जितना पहले का बना हुआ उसको भी हमने इंक्लूड करते हुए चलना है, उसको मिला के अब टोटल 5% का प्रोविजन होना चाहिए, समझ में आया, ओके। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इसमें ये करेंगे, पता लगाएंगे कि कितना हमें प्रोविजन और बनाना पड़ेगा और बैड डेब्ट्स की भी एंट्री करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो बैड डेब्ट्स हुए हैं वो 6,000 रुपये के हुए हैं और बैड डेब्ट हमारा नुकसान होता है और हमने पढ़ा था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो मैंने डेबिट कर दिया। बैड डेब्ट के होने की वजह से मुझे डेटर से पैसा कम मिलेगा, मेरे एसेट कम हो गए, तो एसेट को कम करने के लिए मैंने क्रेडिट कर दिया। मैं जब भी कोई एंट्री करती हूँ तो मैं उसमें डेबिट क्या कर रही हूँ और क्रेडिट क्या कर रही हूँ मैं प्रॉपर रीज़न के साथ एक्सप्लेन करती हूँ, तो आपको एक एक चीज़ समझ में आए इसलिए, राइट स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि बीइंग डेटर्स प्रूव्ड बैड, ओके। अब हम नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, नेक्स्ट एंट्री ये करेंगे कि हम लोग अपने प्रोविजन का इस्तेमाल करेंगे। प्रोविजन बनाते क्यों है, ताकि हमारा जो लॉस है वो कम हो जाए। क्वेश्चन में हमें प्रोविजन बता रखा है 8,000 रुपये का, अच्छी बात है, तो मेरे को तो 8,000 का थोड़ी ज़रूरत है, मुझे तो ज़रूरत कितने की है, सिर्फ 6,000 की। तो अब मैं प्रोविजन को यूज़ कर रही हूँ तो यूज़ करने से चीज़ ख़त्म हो जाती है, तो ख़त्म करने के लिए डेबिट किया और बैड डेब्ट्स को मैं अब अपने जो मेरा लॉस था उसको मैं कम करने का ट्राई कर रही हूँ, जो मैंने पहले लॉस दिखाया था उसको मैं कम करने का ट्राई कर रही हूँ, किसकी मदद से, प्रोविजन की हेल्प से, ठीक है। तो अब मैंने इसको ख़त्म करना चाहती हूँ, 6,000 रुपये का प्रोविजन मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं यही लिख दूंगी कि बीइंग
बैड डेब्ट्स एडजस्टेड अगेंस्ट प्रोविजन, राइट? चलिए अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? नेक्स्ट एंट्री ये होगी कि अब उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए पहले आप एक सेकेंड देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको क्या करना है, प्रोविजन बनाना है 5% सन्ड्री डेटर्स पे। कोई दिक्कत नहीं है, 5% डेटर्स पे चाहिए। तो मैंने देखा मेरे डेटर्स कितने रुपए के थे, 76,000 के थे। बट फिर मुझे एक इंटेलिजेंट बच्चे ने बोला कि मैम 6,000 के तो बैड डेब्ट्स हो गए ना, तो उतने से तो डेटर कम हो गए, अभी तो आपने एंट्री की थी। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मतलब मुझे इसका 5% क्रिएट करना है ना, यही तो बोला है क्वेश्चन में आपने। कहा बिल्कुल सही बात है, यानी कि मुझे अल्टीमेटली 70,000 का 5% दैट इज 3,500 के क्रिएट करने हैं प्रोविजन। इतना समझ में आया? क्या पहले से कोई प्रोविजन बचा हुआ है? तो यस, कैसे बचा हुआ है? हमारा पहले का प्रोविजन 8,000 का था, उसमें से 6,000 का तो यूज़ हो गया ना, पर बाकी के 2,000 तो बचे। और नया कितना बनाना है? 3,500 का नया बनाना है मुझे, 3,500 का नया बनाना है। बट 2,000 का ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो मुझे अभी नया प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ 1,500 रुपये का बनाना है। इस क्वेश्चन के दो डेंजर पॉइंट ये हैं। पहला, बच्चे ये माइनस करना ही भूल जाते हैं और डायरेक्टली 76,000 का 5% निकाल देते हैं। ये मत करना, अब नए डेटर्स का 5% लेना है। समझ में आया? दूसरी गलती बच्चे ये करते हैं कि डायरेक्टली 3,500 ही मान लेते हैं कि ये नया प्रोविजन क्रिएट करना, ये भूल जाते हैं कि अभी पहले का भी प्रोविजन हमारा बचा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं कि पहले का प्रोविजन हमारा 8,000 का था, बट यूज बैड डेब्ट्स में सिर्फ 6,000 का हुआ, तो 2,000 का भी वो बचा हुआ है। और बनाना हम 3,500 चाहते हैं, तो नया हमें सिर्फ 1,500 बनाना पड़ेगा। तो ये दोनों पॉइंट्स का ध्यान रखना, तभी ये क्वेश्चन सही होगा। तो देखिए, अब जो मैंने समझाया मैं वही चीज़ करूँगी। अब मुझे क्या करना है? आई नीड टू क्रिएट प्रोविजन। प्रोविजन एक लाइबिलिटी अकाउंट है। अगर लाइबिलिटी अकाउंट मेरा क्रिएट होगा तो वो क्या होगा? क्रेडिट, तो ऑटोमेटिकली डेबिट क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितना क्रिएट करना है? अभी वर्किंग नोट में देखा 1,500 रुपये का, ठीक है। तो नरेशन भी यही आ गई, बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड। अब नेक्स्ट क्या होगा स्टूडेंट्स? आपने यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया है, डेबिट किया यानी कि आपको नुकसान हुआ है, तो नुकसान जो है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्या कर देगा? कम कर देगा। तो कम करने के लिए मैंने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को कर दिया डेबिट, अशोक एंड भास्कर। ध्यान रखना, रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है ना, वो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पे मैं मैन की ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करने वाली हूँ। जो ये 1,500 रुपये का नुकसान हुआ है वो मैं इन पार्टनर्स में 900 और 600 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब बेसिकली हुआ क्या, आप खुद से ही सोचिए कि अगर हम प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, कोई लाइबिलिटी अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो उससे हमारा फ़ायदा थोड़ी होने वाला है, ऑब्वियसली हमारे लिए नुकसान ही होगा। तो इसीलिए मुझे पता लगा कि यहाँ पे रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ है और उसको मैंने ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोला हुआ है कि सुरेश एक नए पार्टनर को जब हम फॉर्म में एडमिट कर रहे थे तो कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रिवैल्यू किया गया है, उसकी एंट्री पास कर दो। हमने कहा ठीक है भाई। सबसे पहले बोला हुआ है अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट 10% वॉज मेड ऑन सन्ड्री डेटर्स। कोई दिक्कत नहीं है, दे आर सेइंग कि इतने के सन्ड्री डेटर्स है, इस पर प्रोविजन क्रिएट कर दीजिए। क्या कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? नो। ए पार्ट है, प्रोविजन क्रिएट करोगे, एक लाइबिलिटी अकाउंट क्रिएट करोगे तो वो क्रेडिट होगा, तो ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितना क्रिएट करने बोला है? 10%। तो मैंने डेटर्स का 10% कर दिया, जो कि 5,000 आ गया। अब पहले का तो कोई प्रोविजन मुझे बता नहीं रखा, अगर बता रखा होता तो मैं उसको भी चेक करती कि कितना है वो अवेलेबल, पर यहाँ पे नहीं है। बीइंग प्रोविजन फॉर डेब्ट्स क्रिएटेड या क्रेडिटेड, राइट? चलिए नेक्स्ट में क्या बोला हुआ है? नेक्स्ट में बोला गया क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक बाय 5,000, यानी कि इतने क्रेडिटर्स अब हमसे पैसा मांगने नहीं आएंगे। भाई मेरी लाइबिलिटी कम हो गई, तो लाइबिलिटी को कम करने के लिए मैंने डेबिट कर दिया, और अगर ये डेबिट है तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट क्या हो गया? रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट भी बता रखा है कि 5,000 के क्रेडिटर्स अब हमसे पैसा नहीं लेंगे, हमें फ़ायदा हो गया यहाँ पे। तो बीइंग क्रेडिटर्स रिटर्न बैक, भाई हमने राइट ऑफ कर दिया, उनको हटा दिया अपनी बुक्स में से, तो क्या हमें पता लग गया कि वो अब हमसे पैसे नहीं लेंगे।
नेक्स्ट में क्या बोला है, बिल्डिंग की वैल्यू को 20% से बढ़ा दो। बिल्डिंग एक एसेट है, अगर हम एक एसेट की वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो हम उसे डेबिट कर देंगे। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, अभी मुझे बिल्डिंग 2 लाख रुपए की बता रखी है, वो 20% से वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, यानी 40,000 से वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं। तो आप लिख सकते हो कि बीइंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एप्रिशिएटेड, बढ़ गई ना। चलिए डी वाला पॉइंट देखते हैं। डी वाले पॉइंट में बोला हुआ है कि अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स 15,000 रुपये की निकली। भाई अनरिकॉर्डेड हो या कुछ भी हो, निकली तो एसेट ना, तो अगर एसेट आएगी तो वो डेबिट होगी, तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपए की, 15,000 रुपए की। तो आप लिख सकते हो कि बीइंग अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट नाउ रिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट नाउ रिकॉर्डेड। ओके, चलिए ई पार्ट पर चलते हैं। ई पार्ट में बोला गया है हमें कि अ प्रोविजन फॉर 2000 वॉज मेड ऑन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स। ठीक है, देखो क्या होता है, अब आप ये मत बोलना मैम अभी तो डेब्ट्स के लिए बनाया था प्रोविजन, अलग अलग चीज़ों के लिए प्रोविजन या फिर रिजर्व कंपनीज बनाती रहती हैं, ठीक है, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो कि हम जो ये प्रोविजन क्रिएट करना चाहते हैं, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल या लाइबिलिटी अकाउंट है, तो इसको क्रिएट करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, तो डेबिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट कितना बता रखा है, 2,000 रुपये का, तो आप लिख सकते हो कि बीइंग प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स क्रिएटेड। चलो एफ पॉइंट देखते हैं। एफ पॉइंट में बोला गया अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टूवर्ड्स सप्लायर्स। सप्लायर्स बेसिकली क्या होते हैं, हमारे क्रेडिटर्स। भाई क्रेडिटर्स मिल गए, मैंने रिकॉर्ड ही नहीं कर रखे थे, तो अब क्रेडिटर्स को तो मैं क्रेडिट साइड पे ही लिखूंगी, तो डेबिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि क्रेडिटर्स बढ़ गए ना, पहले रिकॉर्ड नहीं किए थे तो अब रिकॉर्ड कर रही हूँ। बीइंग अनरिकॉर्डेड सप्लायर्स को हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब आप बोलोगे मैम एंट्रीज खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई, बट बस इतना देख लो कि रिवैल्यूएशन में अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो फर्स्ट वाले पॉइंट में हमारे पास लॉस है, डेबिट डेबिट को प्लस करते जाइए और क्रेडिट वाले माइनस, ठीक है, मतलब जैसे भी आप चाहते हैं, जैसे डेबिट डेबिट एक साथ प्लस कर लो एक ही बार, यहाँ पे रिवैल्यूएशन डेबिट, यहाँ डेबिट, यहाँ डेबिट, तो 5,000 प्लस 2,000 प्लस 3,000 माइनस 5,000 माइनस 40,000 माइनस 15,000। तो जब मैंने इन सबको प्लस माइनस आपस में किया तो मेरे पास जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसमें मुझे गेन मिला, तो गेन मिला तो मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया। कितने का गेन हुआ, 50,000 का। जैसे मैंने बताया सारे डेबिट साइड को प्लस करिए माइनस करिए क्रेडिट साइड, यू विल गेट योर आंसर राइट। तो इधर से जो गेन हुआ है वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो कुछ जाएगा रमेश के पास और कुछ जाएगा नरेश के पास, और मैंने क्या मान लिया, इक्वली रेशियो, ठीक है। तो बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट क्रेडिटेड इन ओल्ड रेशियो, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना ये रिवैल्यूएशन का गेन निकालने की। देखिए कैसे निकालते हैं, डेबिट डेबिट आपस में प्लस कर लो, क्रेडिट क्रेडिट आपस में प्लस कर लो, देन यू विल गेट द डिफरेंस, और उसी से ही आपको पता लग जाएगा कि प्रॉफिट हो रहा है कि गेन हो रहा है, समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में बोला हुआ है कि ओम एंड शिव पार्टनर्स है और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर है, 1:1 है। हमें बैलेंस शीट में सिर्फ दो ही चीज़ें बता रखी हैं, एक डेटर्स का अमाउंट बता रखा है 1,50,000 का, और प्रोविजन बता रखा है कि 15,000 रुपये का बनाया हुआ है। वो कह रहे हैं अमाउंट ऑफ 12,000 ड्यू फ्रॉम मोहन अ डेटर इज टू बी रिटर्न ऑफ एज नो लॉन्गर रिसीवेबल। अब हमें पता लगा कि हमें 12,000 रुपये जो कि मोहन से लेने थे, जो कि हमारा डेटर था, अब हमें वो पैसा उससे नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर वो क्या कह रहे हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन रिमेनिंग डेटर्स इज टू बी मेंटेन्ड एट द करेंट रेट। कोई दिक्कत नहीं है, वो कह रहे हैं बाकी के डेटर्स पे प्रोविजन जितना आज जिस रेट पे मेंटेन कर रहे हो उतना ही मेंटेन करते रहो, बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि 12,000 के डेटर्स से अब आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, पहले तो आप नए डेटर्स पता लगाओगे और फिर नया प्रोविजन पता लगाओगे, तो उसी चीज़ को अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो अभी की रेट भी तो उन्होंने नहीं बता रखी, पर मुश्किल थोड़ी है यार,
इस बार वो लोग 15,000 का प्रोविजन बता रहे हैं जब डेटर्स 1,50,000 रुपये के हैं। तो हम पता तो लगा सकते हैं यहाँ से, रेट 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 10 150, यानी कि रेट कितनी आ गई, 10% की रेट आ गई। कैसे पता लगा कितना प्रोविजन अभी है और अभी के डेटर्स कितने हैं, इससे मैंने रेट पता लगा ली। और अगर किसी जो बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा स्मार्ट है वो कैसे समझेगा, भाई डेटर्स 1,50,000 के थे और प्रोविजन 15,000 था, तो वो बच्चा देखते ही समझ गया होगा कि 10% प्रोविजन बनाया गया। ठीक है, अब मेरे पास करंट रेट तो आ गई, बट अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, उन्होंने बोला है कि अभी की करंट रेट पे ही यू हैव टू क्रिएट द प्रोविजन, नो प्रॉब्लम, यही उन्होंने बोला है। बट उसके लिए हम करेंगे क्या, ये समझिए इस चीज़ को। देखो मेरे नए डेटर्स अब कितने बनेंगे, अभी मेरे डेटर्स 1,50,000 रुपये के थे, बट उसमें से 12,000 तो अब बैड प्रूव हो गए, ये चीज़ आपको समझ में आई। तो अब जो मेरे अल्टीमेटली डेटर्स बचे जिसके ऊपर मुझे प्रोविजन बनाना है वो है 1,38,000 रुपीज़ के। और कितना प्रोविजन बनाना है, अभी हमने रेट पता लगाई, उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि जो रेट आप पहले से मान रहे थे अभी भी उतनी ही मानना, यानी कि 10%। तो यानी कि मुझे कितना प्रोविजन बनाना है अब इस बार, 13,800 का बनाना है। बट इस बार भी देखो अभी तक हमने सब कुछ वही किया, पहले नए डेटर्स पता लगा लिए, फिर हमने उससे नया प्रोविजन, बट पहले ये देख लो कि क्या पहले का कोई प्रोविजन बचा हुआ है। तो देखो यार, पहले का प्रोविजन 15,000 रुपये का था, ठीक है, मैं लिख के दिखाती हूँ एक एक चीज़ प्रॉपरली। पहले का प्रोविजन 15,000 रुपये का था, बट 12,000 के तो बैड डेट्स आ गए ना यार, तो अब तो प्रोविजन कितना बचा, 3,000। और वो हमसे कितना मेंटेन करवाना चाहते हैं, 13,800 अभी निकाला हमने, तो मुझे नया कितना बनाना पड़ेगा, 10,800 का नया बनाना पड़ेगा, जो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होगा। दोबारा से समझ लो इस क्वेश्चन को, पहली चीज़ उन्होंने हमें रेट नहीं बता रखी थी, तो भाई जितना प्रोविजन बनाया है और जितने डेटर्स पे बनाया है उससे मैंने रेट पता लगा ली 10%। अब मेरे नए डेटर्स इतने बन गए तो कितने के तो बैड डेट्स हो गए, तो मेरे अल्टीमेटली न्यू डेटर्स इतने के हैं। उन्होंने बोला रेट उतनी ही मेंटेन रखना, बस डेटर्स आपके बदल जाएंगे, तो मैंने रेट अभी भी 10% ही रखी, ठीक है। आगे मैंने क्या किया, मुझे पता लग गया कि अब मुझे इतना प्रोविजन क्रिएट करना है, बट क्या क्यों ना मैं एक बार ये चेक कर लूँ कि अभी मेरे पास कुछ भी डेटर्स के लिए प्रोविजन बचा है कि नहीं बचा। तो मैंने चेक किया, तो मेरा प्रोविजन ना 15,000 का था, इसमें से 12,000 के तो बैड डेट्स हो गए, तो मुझे पता लगा कि 3,000 का प्रोविजन अभी भी बचा हुआ है, बट वो हमसे 13,800 का मेंटेन करवाना चाहते हैं, यानी कि और मुझे 10,800 की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, बस थोड़ी सी नॉलेज चेक कर रहे थे भाई वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट से रिलेटेड आपकी, ठीक है, तो नो प्रॉब्लम। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 48, जिसमें कि हमें इन्फॉर्मेशन में बता रखा है कि आशीष और विशेष पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। हमें बैलेंस शीट में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी बता रखी हैं। 1 अप्रैल 2022 को ये लोग मान्या को एडमिट कर रहे हैं, कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। मान्या 1,00,000 एज कैपिटल लेके आ रही है और 50,000 एज गुडविल प्रीमियम इन कैश लेके आ रही है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आगे वो हमसे क्या कह रहे हैं, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी पेड ऑफ, यानी कि अगर मैंने अपनी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे देखा तो मुझे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 20,000 का दिख रहा है, वो कह रहे हैं इसको वो पे करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, लाइबिलिटी पे करोगे तो लाइबिलिटी ख़त्म होगी, तो लाइबिलिटी को जब मैं ख़त्म कर रही हूँ तो ख़त्म करने के लिए मैं डेबिट करूँगी, पे कैसे करोगे, ईदर बाय बैंक और बाय कैश। तो मैंने मान लिया हम वी आर पेइंग बाय बैंक, 20,000 रुपये का बिल था हमने पे कर दिया, तो आप लिख सकते हो कि बीइंग आउटस्टैंडिंग बिल पेड, यही तो हुआ है। चलिए नेक्स्ट में हमें क्या बोला गया, नेक्स्ट में बोला गया है स्टॉक वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 12,000, स्टॉक पता लगा ओवर वैल्यूड था, तो यार जितना ओवर वैल्यू था मुझे उससे कम करना पड़ेगा, तो एसेट कम होगा तो क्रेडिट होगा, तो ऑटोमेटिकली डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा, तो कि स्टॉक ओवर वैल्यूड था, ज़्यादा दिखा रखा था, तो मैंने उसको कम कर दिया, कितने से ज़्यादा था, 12,000 थे, तो मैंने 12,000 से इसको कम कर दिया, तो मैं लिख सकती हूँ कि बीइंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था ना, तभी तो कम कर रहे हैं, राइट। बस अब इसके अलावा और कुछ तो बचा नहीं रिवैल्यूएशन का, तो मतलब कि जो मेरा ये रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है, जो लॉस हुआ है, तो कि मैं स्टॉक को एक एसेट को कम कर दूँ तो मुझे लॉस होगा, तो वो लॉस मैं ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में पहले बांट देती हूँ। तो एक है आशीष, ओल्ड पार्टनर आशीष का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देते हैं लॉस की वजह से, कम हो जाएगा, और एक विशेष का कर देते हैं, ठीक है। और रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ कितना है, 12,000 रुपये का, इसको ओल्ड रेशियो में मैंने बांट दिया, तो इधर आ गया 7,200 और इधर आ गया 4,800, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट में अब हम क्या करेंगे। नेक्स्ट में मैं गई तो मैंने बैलेंस शीट में देखा स्टूडेंट, मुझे ना PNL अकाउंट दिख रहा था, बट वो PNL अकाउंट एसेट साइड पे था, और एसेट साइड वाली सारी चीज़ों का बैलेंस कैसा होता है? आपने बोला मैम डेबिट बैलेंस होता है, तो मैंने कहा समझ में आया PNL का डेबिट बैलेंस है। और मैंने ये समझाया था कि अगर PNL का क्रेडिट बैलेंस है यानी कि प्रॉफिट, और अगर PNL का डेबिट बैलेंस है यानी कि लॉस, और यहाँ पे डेबिट बैलेंस है यानी कि लॉस है, तो लॉस से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को आप कम करोगे, तो आशीष के कैपिटल अकाउंट को कम करेंगे तो उसको भी डेबिट कर देते हैं, और विशेष के भी कैपिटल अकाउंट को कम करेंगे तो उसको भी डेबिट कर देते हैं। किसकी वजह से हो रहे हैं? दोनों PNL की वजह से, जो कि हमें बता रहा था कितने रुपए का है, 10,000 रुपये का, और ये भी ओल्ड रेशियो में ही जाएगा, ठीक है। तो ये सारे मैंने बताया था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस, ये सब ओल्ड रेशियो में ही जाते हैं। ओके, इसके अलावा और कुछ है? तो यस, एक चीज़ बची है, क्या मान्या कुछ अमाउंट लेके आ रही थी तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो कि बैंक में पैसा आएगा। वो अमाउंट क्या क्या ला रही है? एक तो अपना कैपिटल लेके आ रही है, और एक प्रीमियम फॉर गुडविल ला रही है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कितने रुपए ला रही है वो? 1,00,000 कैपिटल के लिए ला रही है और 50,000 प्रीमियम के लिए, इन टोटल 1,50,000 ला रही है। तो यही हो गया कि बीइंग मान्या ब्रॉड शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल एंड कैपिटल, मतलब आप खुद से लिख सकते हैं नरेशन, राइट। मेरा काम क्या है? आपको सिर्फ समझा देना। अब लास्टली क्या बचा स्टूडेंट? जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये क्या करते हैं? इसको जो पार्टनर बेचारे सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं उनमें बांट देते हैं, तो वही यहाँ पे जाके बांट दीजिए। ओके, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट किसके पास जाएगा? एक आशीष के पास और एक विशेष। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखती हूँ मैं? बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिटेड टू पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। बट आप बोलोगे मैम इस क्वेश्चन में तो आपने कैलकुलेट ही नहीं की। मैंने कहा यार कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं गिवन है तो कहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। बट हमने एक पॉइंट तो पढ़ा था कि जब भी कोई भी इन्फॉर्मेशन ना गिवन हो तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी यूज़ होगी कि 50,000 का प्रीमियम जो कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो कि ओल्ड रेशियो के बराबर है। या आप नोट डाल के भी लिख सकते हो कि व्हेन देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन इन द क्वेश्चन, इट इज़ अज्यूम्ड दैट ओल्ड रेशियो इज़ द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो इसका मतलब हम डायरेक्टली 3:2 की रेशियो में प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे। तो बहुत ही प्यारा पॉइंट था ये। देखो अगर जो बच्चा याद रखता है ना, वो इस पॉइंट पर जाके वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा और उसकी लास्ट वाली एंट्री में कुछ गड़बड़ आ जाएगी, वह छोड़ देगा, क्योंकि वो ये समझ ही नहीं पाएगा कि हम यहाँ पे क्या करें। तो ध्यान रखना, जब भी कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो मानी जाती है। चलिए अब हम चलेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस वीडियो के, क्वेश्चन नंबर 49, जिसमें बोला गया है कि राम और श्याम की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। मोहन को 1/3 शेयर के लिए एडमिट किया है। जब उसको एडमिट कर रहे थे तो उस टाइम पे बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है, PNL का क्रेडिट बैलेंस है। सी, जनरल रिजर्व से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, PNL का क्रेडिट बैलेंस है यानी कि प्रॉफिट है, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम बढ़ाएंगे। जनरल रिजर्व एक रिजर्व बैलेंस होता है जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है। मैं ख़त्म करने के लिए डेबिट कर रही हूँ, PNL का क्रेडिट बैलेंस है, ख़त्म करने के लिए डेबिट कर रही हूँ, और इन दोनों चीज़ों से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बढ़ जाते हैं। तो बढ़ाने के लिए मैं दोनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्या कर रही हूँ, दोनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को मैं क्रेडिट कर रही हूँ। तो टू राम कैपिटल अकाउंट एंड टू श्याम कैपिटल अकाउंट, 2,50,000 का जनरल रिजर्व है और 50,000 रुपये का PNL का बैलेंस है। इसको मैं बांटूंगी पार्टनर्स में, और कौन सी रेशियो में? बीइंग जनरल रिजर्व एंड PNL क्रेडिट बैलेंस। देखो ज़रूरी है लिखना तो, कि क्रेडिट बैलेंस मीन्स प्रॉफिट एंड डेबिट बैलेंस मीन्स लॉस, क्रेडिटेड इन ओल्ड रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि 3,00,000 रुपये को जब मैंने ओल्ड रेशियो में बांटा तो 2,00,000 इसके अकाउंट में आ गया और 1,00,000 इसके अकाउंट में आ गया। समझ में आया स्टूडेंट? कितना प्यारा और कितना आसान क्वेश्चन था। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक एंट्री अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। स्टिल आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।